मुख्यमंत्री गहलोत 15 जून को आएंगे बाड़ी मलिंगा। बाड़ी की प्रमुख खबर। क्षेत्रीय विधायक गिर्रा सिंह मलिंगा ने बताया कि 15 जून को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचेंगे, जहां राहत शिविर का अवलोकन करने के बाद अनेक योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर विधायक मलिंगा ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम है, जो भी आना चाहे आ सकता है और नहीं आना चाहे तो उसकी मर्जी। मैं कब चाहता हूं कि कोई मेरे पास आए और ना ही मैं किसी के पास जाता हूं। आपको बता दें, पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री गहलोत राजाखेड़ा क्षेत्र में पहुंचे थे तो वहां विधायक मलिंगा और बैरवा नहीं गए थे। जब उनसे राजाखेड़ा विधायक के बाड़ी आने को लेकर प्रश्न किया गया था तो उनका कहना था, जिसकी मर्जी हो आए, जिसकी मर्जी हो नहीं आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही किसी की आवश्यकता नहीं है। बीवीएन ब्यूरो के लिए बाड़ी से प्रमोद मुद्गल की रिपोर्ट। का कार्यक्रम है 15 तारीख का है, समय लगभग 12 बजे के आसपास है। तो जो अपने दोनों रिंग रोड बनी है बाड़ी और सफल, इनकी उद्घाटन है और कुछ रोडों को शिलान्यास होने हो सकता है कि अपने बसई नवाब बाईपास के वजह से ठेकेदारों की हड़ताल पूरी तरीके से खुली नहीं है। आज जो हो जाए तो वो भी हो जाएगा साथ ही, और अपने दोनों कॉलेज हैं बसई नवाब की और बाड़ी महिला कन्या महाविद्यालय, उनका भी शिलान्यास है। और भी काफ़ी रोडों के काम हैं, ये सब अपने रोडों के टेंडर हुए। बाड़ी नगर पालिका के 5 करोड़ के टेंडर हुए और अभी एक आध दो रोड और भी गई हैं तो उनके भी टेंडर। मैं आपको बताऊँ, काफ़ी करीबी तो 200-300 करोड़ के काम पेंडिंग पड़े हैं, तो उनका कुछ शिलान्यास है, कुछ उद्घाटन है जो कार्य पूरे हो गए। मुख्य यही कार्यक्रम है, इसके अलावा और तो अपने जो कैंप चल रहे हैं उनको देख सकते हो, वैसे जगह जगह रोजाना देख ही रहे हैं। सर, काली तीर का मुद्दा आपने आप और बैरवा साहब वहाँ नहीं पहुँचे थे जब राजागढ़ आए थे, तो यहाँ क्या लगता है, वो लोग आएंगे यहाँ पे? नहीं, मैं तो आप मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कभी चाहता हूँ कि कोई मेरे पास आना, मैं किसी के मजाता हूँ और ना मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास कोई आवे। कोई आना चाहता है स्वागत, नहीं आना चाहता है कोई मतलब नहीं। अपने पर क्या दिक्कत है, अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने काम, अपने अपने काम करो, मस्त रहो, क्या दिक्कत है। आना चाहते हैं बढ़िया स्वागत है, कुर्सी ले लिए आराम से बैठो, और नहीं आना चाहते कोई मतलब नहीं। इसमें क्या, हम लोग नहीं गए तो नहीं गए, हमारी मर्जी, वो लोगों की मर्जी, आवे आवे नहीं आवे, अपने किसी से जो सुन के नहीं गए। सरकारी कार्यक्रम में आने का सबको अधिकार है, आ सकते हैं, आएंगे स्वागत है, कुर्सी है, और नहीं आएंगे तो उनकी मर्जी है। महाराज बाग माता मंदिर रोड पर बेतहाशा दौड़ा ट्रोला, राहगीरों में दहशत। बाड़ी की प्रमुख खबर। माता मंदिर महाराज बाग रोड पर ट्रोले की रफ्तार ने मचाया हड़कंप। ट्रोला की बेतहाशा रफ्तार से सहमे राहगीर कास्तपाड़ा पुलिया पर एक गाय को मार दी टक्कर तथा विद्युत पोल को खींच कर तोड़ दिया। ट्रोले की टक्कर से टूटा नाला तो वहीं मजदूर की ऊंट गाड़ी भी कर दी क्षतिग्रस्त। खतरनाक स्पीड से निकला ट्रोला तो सड़क की साइडों पर आवागमन कर रहे राहगीर बमुश्किल जान बचाकर भागे। एक ओर डीजीपी के आदेश पर यातायात नियमों को लेकर चल रहा था चेकिंग अभियान, तो वहीं सभी नियमों के परखच्चे उड़ाकर उड़ रहा था ट्रोला। गाय के मरने और अन्य नुकसान होने को लेकर लोगों ने दी पुलिस को सूचना। देर शाम कास्तपाड़ा पुलिया के पास तेज रफ्तार से दौड़ रहे एक ट्रोले की वजह से लोगों में मच गया था हड़कंप। सूचना के बाद पुलिस ने क्या कार्यवाही की, इसकी सूचना नहीं मिली। बाड़ी से प्रमोद मुद्गल की रिपोर्ट। ऐसी घटना कभी हुई नहीं है और न होती, हो ही शायद कि हमारे लोग जहाँ बैठे मकान के सामने, मैं राजवीर कंसाना बोल रहा हूँ गजबरा वाला, तो एक गैया बैठी, पैप रखे, पैप टूटे, लट्ठा टूटे, इतनी स्पीड में आया था कि वो टोटा ही चला गया, एक मोटरसाइकिल टोरी, आदमी बच गए। क्या आया था, क्या आया था, वो एक डंपर था, वो वैसा वो 22 चक्का टेलर सब कहते हैं, कहा कहते हैं
वो हाँ। एक गैया मरी पड़ी है और मैं मकान के सामने की बात है, मैं खुद खड़ा हूँ पर मैं कूद के पिता को भजूंगी खत्म। ये इतनी इतनी घटना घटेंगी इतनी मोड़ पे तो ये समस्या क्या होगी। और इंसान इतने बच गए आज कि बाकी बहुत जरूरत रही। मैं हाथ जोड़ के नहीं सरकार से निवेदन करता हूँ, पुलिस को इन्फॉर्म किया, और पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। श्री परशुराम धर्मशाला में हुआ डिप्टी एसपी मनीष कुमार का विदाई समारोह, बड़ी की प्रमुख खबर। श्री परशुराम धर्मशाला में ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष मुकेश विधोलिया एवं श्री परशुराम शोभा यात्रा समिति की युवा टीम के नेतृत्व में डिप्टी एसपी मनीष कुमार शर्मा का स्थानांतरण होने पर शानदार अभिनंदन किया गया। इस दौरान डिप्टी एसपी शर्मा को ब्राह्मण समाज के गणमान्य लोगों ने साफा माला एवं स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर संत राधेश्याम दास जी महाराज, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष मुकेश विधोलिया, समाज सेवी डॉक्टर परमेश पाठक, मधुसूदन दुबे, पूर्व पार्षद शिव कुमार शर्मा, सचिन दीक्षित, पार्षद संगीत शर्मा, महेश अवस्थी, राजन पाराशर, भारत भूषण शर्मा, गोल्डी शर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित ब्राह्मण समाज के गणमान्य लोगों ने डिप्टी एसपी मनीष कुमार शर्मा की कार्यशैली एवं व्यवहार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अगले पद पर पहुंचने को लेकर शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर डिप्टी एसपी मनीष शर्मा ने अपने संबोधन में कस्बा निवासियों द्वारा व्यक्त किए जा रहे प्यार एवं स्वागत सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ को लेकर पूरे जिले में चलाया गया बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चालकों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान, धौलपुर की प्रमुख खबर। प्रदेश में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं में दुपहिया वाहन चालकों व सवारी की होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात वीके सिंह के निर्देशानुसार आज बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों के विरुद्ध चलाए गए एक दिवसीय प्रदेश व्यापी सघन चेकिंग अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में जिले भर में भी बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चालकों के विरुद्ध रिकॉर्ड कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आज जिले के सभी वृत्ताधिकारियों के सुपरविजन में सभी थानों एवं यातायात पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर सघन चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट 1300 दुपहिया वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई कर कुल 7,30,200 रुपए का जुर्माना राशि वसूल की। इस दौरान यातायात पुलिस द्वारा 298 दुपहिया वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। संभावित दुर्घटना संभाव्य स्थलों को चिन्हित किया। सड़क दुर्घटनाओं में विशेष रूप से मई माह में होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिए गत दिवस सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक यह सघन अभियान संचालित किया गया और बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ ही जागरूकता के भी प्रयास किए गए। बंद कर रहा तो बंद।
बामनी नदी आश्रम पर प्रति शनिवार होता है सुंदरकांड पाठ। बाड़ी की प्रमुख खबर, पिछले लगभग एक वर्ष से ज्यादा समय से संत श्री पुरुषोत्तम दास महाराज के बामनी नदी आश्रम पर लगातार सुंदरकांड पाठ किया जा रहा है। संगीतमय सुंदरकांड पाठ में कस्बा के अनेक श्रद्धालु भाग लेते हैं। प्रति शनिवार होने वाले संगीतमय सुंदरकांड पाठ के उपरांत उपस्थित श्रद्धालुओं का सहभोज कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अंजनी पाराशर, दिग्विजय पचौरी, सुनील शर्मा, श्याम हरदेनिया, प्रभाकर दीक्षित सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।